आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए तीन करोड़ पचहत्तर लाख रुपए की लागत से पुलगांव नाला डायवर्सन कार्य में आई तेजी शहर विधायक और महापौर ने स्थल पर पहुंचकर किया निरीक्षण दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी के इंटकवेल में पुलगांव नाले के माध्यम से पहुंचने वाले दस वार्डो का गंदा पानी को इंटक वेल में मिलने की जगह डाइवर्ट करने के डेढ़ वर्ष जारी कार्य में तेजी लाने के निर्देश के बाद भी वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण मोरा एवं महापौर धीरज बागलीवाल स्थल पर चल रहे कार्यो का निरीक्षण करने पहुंचे नाले के माध्यम से इंटक वेल में न सिर्फ गंदा पानी आता है बल्कि जलकुंभी एवं कचरे के जमावड़े से बार बार चौबीस एवं बयालीस एम फिल्टर प्लांट में जल आपूर्ति भी बाधित होती है जिसके निराकरण के लिए लंबे समय से कागजों में पड़े नाला डायवर्सन के कार्य को जनता के लाभ हेतु धरातल में लाने के लिए विधायक बोरा ने पहल के बाद निगम द्वारा करोड़ों की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया है बोरा ने कहा की कार्य निष्पादन में समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा साथ ही ग्रीष्म ऋतु की आमद को देखते हुए पेयजल से संबंधित सभी कार्यो में तेजी लाई जाएगी टैंकरों की रिपेयरिंग से लेकर पंपों की व्यवस्था कर ली जाए वहां पर धीरज बागलीवाल ने अधिकारियों को वर्षा ऋतु के पूर्व नाले डायवर्सन का ज्यादा से ज्यादा कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया ताकि नदी का जलस्तर बढ़ने से कार्यो में रुकावट न आए ग्रहण न्यूज के लिए दुर्ग नसीम फारूकी की रिपोर्ट